मैं आज आपको जगतपुरी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैट दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा और स्पेशियस फ्लैट है। ये बिल्कुल एक्चुअल फ्लैट है। जब इसको आप साइट विजिट के लिए देखेंगे तो आपको खुद ही पसंद आएगा। ये इसका ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम ही काफ़ी बड़ा है और ये फ्लैट भी बहुत अच्छा है। ये 110 गज के अंदर बना हुआ है और जो फ्रंट गली है वो करीबन 15 फीट की है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो फर्स्ट बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम और ये छोटा सा गेट देख रहे हैं ये किचन का है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी शाफ्ट है। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने एंट्री करी थी। एंट्री करते ही साइड में इन्होंने फ्रिज रखा हुआ है। और अब मैं पहले फर्स्ट बेडरूम के अंदर लेके चल रहा हूँ आपको। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ करीबन 14 फीट का है, 14x10 का है। और इसी के साथ में बालकनी है, बालकनी के साथ में एक छोटा सा स्टोर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ ये साइज़ रूम का। आगे की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पर आपको फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम मिल जाता है। ये भी मैं लेके चला था, वो भी बेडरूम ही था। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किचन। किचन काफ़ी बड़ी बनी हुई है और इसी के साथ में एक काफ़ी बड़ी साफ्ट है, उसके साथ में एक कनेक्ट है। ये एल शेप में किचन बनी हुई है, आप किचन देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है। ये एल शेप में किचन है। यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ से एंट्री दी हुई है, ये साफ्ट है पूरी। स्टोर रूम की तरह भी यूज़ हो सकती है उधर से है। अब मैं आपको सेकेंड बेडरूम के अंदर लेके चल रहा हूँ। ये इसका सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम के साथ में टॉयलेट थी, बट इन्होंने क्या किया हुआ है कि उसको स्टोर बना दिया है। और जो स्टोरेज है वो काफ़ी बड़ी है और गहरी है। जो आप सामने देख रहे हैं स्टोरेज, जो अलमीरा लगी हुई है, बेड साइज़ और रूम साइज़ काफ़ी बड़ा है। रूम साइज़ करीबन 13 फिट का है ये। और इसके साथ में ये जो सामने पर्दा लगा हुआ है ये इसका वेंटिलेशन है। ये जो अलमीरा लगी हुई है काफ़ी गहरी है। और जो डोर देख रहे हैं, पहले बाथरूम हुआ करता था, बट इन्होंने स्टोर रूम क्रिएट कर दिया इसको। यहाँ से मैं अब आके लेके चल रहा हूँ आपको। ये सामने से आप ड्राइंग रूम देख रहे हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम के अंदर भी वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, पूरा वेंटिलेशन है इसके साथ में, क्योंकि साफ्ट लगी हुई है। ये बेडरूम आप देख रहे हैं। और यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने इसके अंदर भी अलमीरा लगाई हुई है, यानी कि दो रूम के अंदर अलमीरा प्रॉपर है। ये किचन में दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको। और यहाँ से ये दिखा रहा हूँ ड्राइंग रूम में, जिस तरीके से आपको सोफे पड़े हुए मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी लोकेशन का फ्लैट है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ रूफ़ के ऊपर। रूफ़ इसी के साथ में मिल रही है। रूफ़ के लिए मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ। ये जेन्युइन थर्ड फ्लोर है और विद रूफ राइट के साथ मिल रहा है आपको ये फ्लैट। यहाँ से कड़कड़ी मोड़, जगतपुरी, ये सारे ही पास में है। ये इतनी बड़ी छत है इसकी। और ये छत इसी के साथ में है, रूफ राइट के साथ मिल रहा है। ये इतना स्पेस इस साइड में भी मिलता है आपको। रूफ राइट के साथ फ्लैट है, जेन्युइन थर्ड फ्लोर है। आप इसको देखने का और साइट विजिट के प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।